बरसाना में भीड़ का रिकॉर्ड टूटा, श्रद्धालु मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने किस प्रकार से अपनी गाड़ियां खेतों में, किसानों के खेतों में पार्किंग की हुई हैं। और आप देख, नमस्कार, मैं हूं अवधेश रावत और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। इस वक्त हम बरसाना में मौजूद हैं और आपको बरसाना की होली से पहले एक नज़ारा आपको दिखाएंगे, एक तस्वीर दिखाएंगे कि तस्वीर इस प्रकार की है कि जो बरसाना के मंदिर तक से जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से जाम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लंबी लाइन लगी हुई है, श्रद्धालु मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने किस प्रकार से अपनी गाड़ियां खेतों में, किसानों के खेतों में पार्किंग की हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि मथुरा प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से फैल नज़र आ रही है। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे, आखिर इस बरसाना की होली में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। बरसाना की व्यवस्था सबसे पहले तो प्रशासन को देखना चाहिए, जो भी गाड़ी बाहर से आएगा, श्रद्धालु आएगा, उनकी पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। कम से कम ज़्यादा नहीं, श्रद्धालु आएगा, भूख भी लगेगा, पानी भी पिएगा, कोई पानी की नहीं ना किसी कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं। गाड़ियाँ रोड के ऊपर खड़ी रहती हैं, खेतों में खड़ी करी है। मैं खुद ड्राइवर हूँ, मैंने भी गाड़ी पार्किंग कर रखा है खेत के अंदर। खेत वाला बोल रहा था, भैया गाड़ियाँ यहाँ से निकालिए नहीं तो हम गाड़ियों में नुकसान करेंगे। और हमारी मजबूरी थी, मैंने कहा चलो ठीक है निकाल लेंगे, भाई ने थोड़ी देर और रुक जाइए, हमारे पैसेंजर आ जाएगा, हम लेके चला जाएगा। लेकिन नहीं, गाड़ी निकालिए आप। अब गाड़ी को निकालने के बाद में रोड पे कहाँ किया जाए। बरसाना की लड्डू होली का हाल पूरा देश ने देखा, देश भर के अखबार में बरसाना सुर्खियों पे बना रहा। लेकिन प्रशासन को भी अंदाजा नहीं था कि एक साथ इतने श्रद्धालु बरसाना जाएंगे। हादसे का संज्ञान सूबे के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ ने लिया, लेकिन प्रशासन पूरी तरह खुद को संतुष्ट नजर करता आया। देश भर के श्रद्धालुओं ने सोशल मीडिया पर तमाम संदेश भेजे, जिन्होंने वो हाल देखा जिसका अंदाजा मथुरा के प्रशासन को भी नहीं था। और विश्व प्रसिद्ध कथामार होली का आनंद लेने आए, काफी संख्या में इसमें बच्चियां महिलाएं भी हैं। हमारे स्टैटिक ड्यूटियां पूरे कस्बे में फैली हुई हैं, लगभग 2000 से ज्यादा कुल मिला के पुलिसकर्मी हमारे इसमें लगे हैं। सादे में भी अपने अपने लोगों को लगा रखे हैं, जिसमें आइडेंटिफाई करके कई ऐसे युवकों को हमने थाने पर बैठाया भी है और सभी को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि किसी तरह की समस्या ना हो। बाकी बंदे व्यवस्था एक रास्ते से श्रद्धालु आ रहे हैं, दूसरे सादे से निकल रहे हैं, जिससे कि भीड़ का दबाव ना बन पाए। भीड़ काफी है, परंतु जैसा कि अभी DM साहब ने बताया, जोन और सेक्टर्स में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स पुलिस के स्टाफ को डिवाइड करके ट्रैफिक अरेंजमेंट सुनिश्चित कराते हुए व्यवस्था की गई है और आप सभी के सहयोग से सब कुशल संपन्न कराया जाएगा। देश भर में सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल हुई, बरसाना से लेकर वृंदावन तक हालात यही दिखे। लेकिन प्रशासन लाख दावे करता रहा कि बरसाना में सब कुछ ठीक है। अब आप देख लीजिए तस्वीरें कि कितना ठीक था वृंदावन बरसाने का सफर। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार सिटी 24।